हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 7 हमने किस तरह फिलअप करना है। फॉर्म 7 को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 85 को पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप अपना ऑथराइज कैपिटल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो इसका जो पार्ट वन है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि इसमें जस्ट 4 इन्फॉर्मेशन होती है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। अब लाजमी नहीं कि आपने सारी चीज़ें आप कर रहे हो एट ए टाइम जब आप फॉर्म 7 फाइल कर रहे हो। सो हम इस वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे कि हम अगर ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। वो पार्ट 2 को हम टिक करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 को फिलअप करते हैं। पार्ट 2 में हमें डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन करनी है, और उसके अलावा उसके बाद हमने आ जाना है उस एग्जिस्टिंग शेयर हो, ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा सिस्टम में, और जो एडिशन आप कर रहे हैं वो आप जस्ट एंटर करेंगे 2.3.2 को। फॉर एग्जाम्पल पहले कंपनी का शेयर ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 रुपये था जो 10,000 शेयर्स में डिवाइडेड था और 10 रुपीज की पर शेयर प्राइस थी। सो अब अभी भी शेयर प्राइस सेम ही है और 10 रुपीज का शेयर है और हम 1,00,000 कैपिटल और करना चाहते हैं, तो जस्ट हम एक एंट्री पास और करेंगे, एक डाटा एंटर करेंगे, वो है 2.3.2 का सेकंड कॉलम, उसमें हम 10,000 रुपीज लिखेंगे और ऑटोमेटिकली बाकी अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगी और न्यू ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारा सिस्टम में शो होने लग जाएगा। सो आफ्टर दैट हम पार्ट 4 में जस्ट अपना पिन कोड एंटर करेंगे और ऑथराइज ऑफिसर को सिलेक्ट करके हम इसको सबमिट करेंगे। इसके साथ जो अटैचमेंट हमने करनी होगी, क्योंकि इसके साथ हमने स्पेशल रेजोल्यूशन को अटैच करना है जो इसके अंदर मेंशन तो नहीं है लेकिन वो रिक्वायरमेंट है और ऑफिसर आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है, क्योंकि अपने डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इसके अंदर पार्ट 2 में डिस्क्राइब की गई है। सो आप वो अटैच करेंगे और साथ में आप अमेंडेड मेमोरेंडम और अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल है तो वो अटैच करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम की क्लॉज 5 में आपको ये मेंशन करना होता है कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है। सो आपका ऑथराइज कैपिटल की क्लॉज 5 आपकी चेंज हो जाएगी मेमोरेंडम की। सो उसको अपडेटेड क्लॉज के साथ आपने अटैच करके इस फॉर्म के साथ सबमिट करना है, और इस ये प्रोसीजर था फॉर्म 7 को सबमिट करने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी से रिलेटेड कंपनीज रेगुलेशन, स्पेशली कंपनीज रेगुलेशन 2024 से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना है।